फैसला लिया कि यह जो आपको कन्वेंशनल मेथड है, अमीन साहब जरीब लेके जाते हैं और कोर्ट का मेजरमेंट करते हैं, तो इसमें बहुत समय लगता है या किश्तवाड़ का पीरियड में, तो इसके कारण हम लोगों ने हाइब्रिड मेथड आते ही तिवारी जी पूछ रहे थे, जो यहाँ इस विभाग के वन ऑफ द बेस्ट किताब है, तो उन्होंने पूछा कि यह हाइब्रिड मेथड क्या हो गया। तो बस हाइब्रिड मेथड यही है मेरी जानकारी में कि हम लोगों ने जो चेन का सिस्टम था नदी का, उसको खत्म कर दिया और एरियल फोटोग्राफी से वह उसमें बहुत ज्यादा एग्जैक्ट होता है। एरियल फोटो उसमें इन चीज का, जैसे आप यह देखते होंगे कि अमीन जो नापी करता है तो उसमें कुछ मतलब क्या कहते हैं गैस का प्रोविजन रहता है, दो कड़ी चार कड़ी पांच कड़ी गांव का होगा तो वह प्रोविजन दे, लेकिन जब एरियल फोटोग्राफी की बात आती है तो वहां कहीं कोई किसी गैप की जरूरत है, वहां इन चीज का मेजरमेंट हो जाता है। तो उससे यह हम लोग को फायदा हुआ कि हम लोग मतलब क्या कहते हैं पूरे राज्य का, आपको जानकारी आपकी जानकारी के लिए कि पूरे राज्य का हम लोगों का जो इस स्टेज का जो मैप है वह बन चुका है। अब उसका मतलब इसके आगे हमको जो कार्रवाई इस बात में जो बाउंड्री जो विरोध कर रहा है विलेजेस का, उसको करने के अलावा हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो यह काम हमको बैठे बैठे बड़े आसानी से यह हो गया एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से। तो फिर इसके बाद हम लोग खानापुरी और आगे का काम करें, थोड़ा बहुत इस बार में भी इस पे करना पड़ेगा काम और उसके तहत आगे, लेकिन बहुत जल्दी कर रहे हैं। फिर भी हम आपको आई एम वेरी सॉरी टू से कि एक राज्य में जो हाइब्रिड मेथड है या नया हम लोगों का जो सर्वे का एक्ट है उसके तहत भी हम लोगों ने विगत चार पांच वर्षों से काम शुरू किया है, अभी तक एक भी जिला में वह फाइनल नहीं हुआ। जबकि अगर आप सर्वे एक्ट को देखेंगे और सर्वे एक्ट में जो मतलब किस बार से लेकर और फाइनल पब्लिकेशन तक का जो टाइम है उसको टाइम शेड्यूल को देखेंगे तो ओनली 300 डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सर्वे ऑपरेशन इन ए पर्टिकुलर मौजा और इन ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो लेकिन चार साल पांच साल के बाद भी हम लोग उसको पूरा नहीं कर सके हैं, तो हम यह कोशिश करेंगे यहाँ एड्रेस करने का कि आपसे या मेरा आग्रह गुजारिश होगा कि जो एसओ यहाँ आए हैं या जो एडिशनल कलेक्टर्स यहाँ आए हैं वे अपने स्तर से यह देखें कि क्यों मतलब क्या कहते हैं अभी हम लोग एक भी जिला का सर्वे ऑपरेशन पूरा नहीं किए हैं, तो उसको थोड़ा सा गंभीरता से देखना पड़ेगा। चलिए अब फिर हम इश्यूज पर आते हैं, तो चार पांच इश्यूज जिसको हमने लिस्ट किया है उस पर हम आते हैं, फिर उसके बाद आपसे हम कोशिश करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग का आ जाता है कि अभी जो सर्वे का काम कर रहे हैं आपसे जो फीडबैक मिला है, अब सोचो ले बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू है, बहुत सारे जिलों में जैसे जितने की गंगा नदी के किनारे के जिले हैं या उससे अलग हैं, जैसे छपरा का सोनपुर का बेगूसराय समस्तीपुर में, तो उसके बाद से वेस्ट चंपारण में, भागलपुर में, लखीसराय में, इन सब जिलों में काफी मात्रा में मतलब काफी एरिया ऐसा है जो टोपो लैंड का है। तो यह दो तीन इश्यूज हैं, एक तो टोपो लैंड ऐसा है जो मान लीजिए कभी नदी के जल के अंदर था, उसका मतलब क्या मेजरमेंट नहीं हो सका सर्वे के समय में, कैडेस्टर या रीजनल सर्वे के समय में, या अधिकारों से नहीं हुआ। और दूसरा है कि मतलब अनसर्वे कुछ ऐसे जगह है जहाँ सर्वे हुआ ही नहीं। उदाहरण के लिए यहाँ आए मैं सुबोध जी, हमको जैसे जानकारी दी गई कि क्या कहते हैं बिहार शरीफ टाउनशिप का 50% पार्ट जो है वो अनसर्वे है, तो उसको हम टोपोलैंड के श्रेणी में नहीं रखेंगे क्योंकि वह किसी नदी से प्रभावित नहीं है, वह दैट अनसर्वे है। और कुछ ऐसे जमीन है जो मान लीजिए इनको जो एल्यूवियल और डेल्यूवियल आप जानते हैं जो बिहार डिजेंसी एक्ट का 52 में इसका प्रोविजन किया हुआ है और एल्यूवियल डेल्यूवियल इसके लिए अलग से एक्ट भी बना हुआ है। तो मेरा यह कहना था इसके इस तीनों पर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि अब जो टोपोलैंड है उसमें यह समस्या दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट समस्या आ रहे हैं कि किसी भी आदमी का स्वामित्व नहीं है, खतियान भी नहीं है, किसी कोई पेपर भी नहीं है, लेकिन आप यह सुन के आश्चर्य होगा आपको कि वैसी जमीन की जमाबंदी लोगों के नाम से चल रही है, वैसी जमीन में लोग घर बना के रह रहे हैं, वैसी जमीन में लोग की भट्ठा चला रहे हैं, वैसी जमीन का मत में लोग खेती कर रहे हैं। तो खेती कर रहे हैं वहां तक तो ठीक है कि सरकार की जमीन खाली है तो चलो खेती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो घर बना के रह रहे हैं, जो ईट भट्ठा चला रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उस जमीन को कैसे रेगुलराइज किया जाए। एक तो पहली बात यह है उसका कोई खाता खेसरा रकबा चौहती नहीं है, तो फिर किस आधार पर उसकी खरीद बिक्री हो रही है, उसको लोकेट कैसे किया जाता है। और दूसरी समस्या यह है कि वैसे जमीन का दाखिल खारिज भी हल्का कर्मचारी और अंचल एसडीओ साहब जांच करके उसमें कौन सा प्रतिवेदन लेते हैं कि आवेदक का दखल कब्जा है, तो कहां पर में है। जब जमीन को आप लोकेट करोगे तभी ना दखल कब्जा की
बात आएगी तो वह भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जमाबंदी सोनपुर के एक एक इंच की जमाबंदी चल रही है, तो वह इसके अलावा उसके वैसे जमीन का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, ऐसे जमीन को लेके आपस में लोगों का विवाद भी हो रहा है, उसको मतलब वह भी बिहार सरकार का कंसर्न है, उसको भी देखना है। तो हमारा यह आपसे मतलब क्या कहते हैं आग्रह होना, या बाहर से जो डिग्निटरीज हमारे जो इम्पोर्टेंट विद्वान आए हुए हैं उनसे भी मेरा यह आग्रह होगा कि इसको किस रूप में सेटल किया जाए। विभाग बहुत सीरियसली चाह रही है कि इसको हम सेटल कर दें ताकि यह जो मेरा मजी का रिविजनल सर्वे होगा उसमें उस सभी जमीन को कोई ऐसी कोई जमीन न बचे जिसका कि हम मतलब क्या कहते हैं सर्वे न करा सके, सभी जमीन का सर्वे हो जाए। तो उस पर में हम आपके विचार को आप मतलब आमंत्रित करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपके जो विचार आ रहे हैं उसके लाइन में प्रावधान जोड़ा जाए, सर्वे एक्ट में जोड़ा जाए, डीटी एक्ट में जोड़ा जाए, जहां भी आवश्यक होगा दूसरा जो मान लीजिए अनसर्वेड है, उदाहरण के लिए बिहार शरीफ का काउंसिल है, उदाहरण के लिए चंपारण का भिकना टोली है, वेस्ट चंपारण को क्या है तो भिकना टोली एक ऐसी मतलब ऐसा रेवेन्यू विलेज है बहुत बड़ा है जिसका कि क्या कहते हैं मतलब तो सर्वे हुआ ही नहीं, लोग भगवाना के द्वारा जो है। अब आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इस संबंध में हम लोगों ने विधि विभाग से इसे राय मांगा कि टोपो लैंड है अनसर्वेड लैंड है जिसको हम क्या माने, उस पर किसका स्वामित्व माने या इसको हम कैसे डील करें। तो एडवोकेट जनरल साहब से लेकर और विधि विभाग के जो भी विधि परामर्शी है सब लोगों की एक राय, हम लोगों को राइटिंग में यह परामर्श आया कि यह टोपो लैंड जो है वह सरकारी जमीन है, सरकार को इस पर में अपना अधिकार और स्वामित्व बरकरार रखना चाहिए, उसको अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। ये सभी जो ये स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स थे सबका उसमें उपयोग किया हुआ है, यह सरकारी जमीन है। तो सरकारी जमीन है लेकिन इसमें जो मान लिया जाए कहीं 500 परिवार कहीं 1000 परिवार बसे हुए हैं तो आप सबको नहीं होता है निकाल तो नहीं कर देंगे, हटा नहीं देंगे, वो ये पॉलिसी बनाना पड़ेगा उसके रियतीकरण की नीति के तहत कि कौन कितनी जमीन उसमें से सरकार की कहता है कि कितनी जमीन हम अगर किसी को देते हैं तो क्या मतलब क्या कहते हैं कोई सक्षम श्रेणी के हैं तो उनके साथ उसको सेटल कर दिया जाए क्या किस रूप में किया जाए। उसमें आप अपना सजेशन हमको देंगे, आज दें कल दें, आप यहाँ लौट के जाए तो वहां बाद में भी जाए, और यह हमारा टोपो लैंड हो गया और दूसरा अनसर्वेड लैंड का देंगे। और एलिवियन और डेलिवियन बहुत क्लियर है कि जो जमीन किसी की है किसी की रैयती है अगर वह नदी के अंदर भी चली गई है तो उस पर उसका अधिकार अक्षुण रहता है, अभी वैसी जमीन अभी कभी नदी के बाहर आती है तो उस पर उसी रैयत का अधिकार होगा। दैट इज वेरी क्लियरली मेंशन इन बिहार टेनेंसी एक्ट का सेक्शन 22 में भी इसका है, और एलिवियन डेलिवियन में कोई समस्या नहीं है, समस्या टोपो लैंड है अनसर्वेड लैंड है। इस दोनों पर हम आप लोगों से विचार साझा करना चाहेंगे, आप लोगों से विचार देना चाहेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट इशू सर्वे के लिए हमारा इम्पोर्टेंट है कि जमाबंदी। अब अभी हम लोगों ने आप डिजिटाइजेशन का काम हम लोगों ने जो जितना शहरी अंचल है हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम ऑनलाइन दाखिल खारिज करेंगे, एक बार हम 534 अंचल में शुरू करने की स्थिति में नहीं है, तो हम लोगों ने यह किया यह अभियान के तौर पर कि जितने हमारे 42 अंचल शहरी क्षेत्र से रिलेटेड है, मेरे 38 जिला प्लस 4 और अंचल जो शहरी क्षेत्र से रिलेटेड है वहां हम पहले मतलब क्या ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एलपीसी ऑनलाइन मतलब रेंट रिसीप्ट यह मतलब जारी करें, इस कार्यक्रम को संचालित करें। उसके 42 अंचलों को हमने सूचीबद्ध किया और आपको कम्युनिकेट किया इन सभी अंचलों का जो दमनमित पत्ती है उसको डिजिटाइज कर दिया जाए, उसको कंप्यूटराइज कर दिया जाए। कंप्यूटराइजेशन का डिजिटाइजेशन का नहीं होगा ऑनलाइन कोई भी कार्रवाई, तो इसी के कारण पहले इसको हम लोगों ने करने का दे दिया। तो मेरा यह कहना था कि वह जो आप कर रहे हैं तो डिजिटाइजेशन जमाबंदी पत्ती के साथ साथ खतियान का भी होना चाहिए, दोनों चूंकि एक दूसरे से मिलता जुलता रिकॉर्ड है, दोनों एक दूसरे पर में मतलब क्या कहते हैं खतियान से ही आप चलते हैं, कोई डिजिटाइजेशन का काम करते हैं तो जो स्टार्ट फ्रॉम खतियान की खतियान उसकी प्रविष्टि क्या कह रहे हैं कैसे नहीं दिया जो भी है तो वहां से स्टार्ट करते हैं। इस दोनों का साइमल्टेनियसली डिजिटाइजेशन होना चाहिए। फिलहाल जितना डिजिटाइजेशन हुआ है एक हम मतलब क्या कहते हैं आपको जैसा मैंने बताया विधानसभा से हमारा कल ही वह बिल पारित हो जाएगा, फिर हमारा वह एक्ट का पार्ट हो जाएगा, फिर ऑनलाइन हम शुरू करेंगे उसके लिए अलग से अधिसूचना निर्गत करेंगे। फर्स्ट फेज में हम कितने अंचलों में ऑनलाइन दाखिल खारिज करने की कार्रवाई करने जा रहे हैं और कर रहे हैं और किस स्थिति से करेंगे वह भी हम करेंगे। अब
वहां इंपॉर्टेंट इशू और यह जो डिजिटाइजेशन हो रहा है उसके क्रम में आपसे हमको यह फीडबैक मिला है कि बहुत सारे गैर मुजब्बा जमीन की जमाबंदी चलती हुई पाई गई है जिसमें किसी भी रैयत का मतलब मोस्ट ऑफ द रैयत ऐसे है जिसका कहीं कोई पेपर नहीं है कुछ नहीं है जमाबंदी हल्का कर्मचारी ने कभी चला दिया और इसमें यह भी फीडबैक मिला है कि हल्का कर्मचारी तो मोडस ऑपरेंडी यूजुअली रहता है कि किसी गैर मुजब्बा जमीन का रसीद काट के किसी को दे दिया अब वह दो साल प्रतीक्षा करता है देखता है दो साल तीन साल इस पर किसी कोई रिएक्शन कहीं से आया कि नहीं आया नहीं आया तो फिर वो जमाबंदी पंजी में उसका नाम जोड़ लिख देता है अब फिर वह जमाबंदी चलने लगती है और यह इतनी बड़ी समस्या यह हो जाती है कि आप बड़े आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि दरभंगा का आज का कैंपस है बड़े इंपॉर्टेंट वहां मतलब क्या कहा जाए 50 लाख रुपए कट्ठा जमीन बिकता होगा इतना इम्पोर्टेंट वह जमीन है दरभंगा महाराज का अगर दरभंगा किसी को जाने का मौका लगा होगा तो वहां देखेगा मतलब बहुत ऊंचा दीवार से घिरा हुआ है दरभंगा महाराज का कैंपस उस कैंपस के जस्ट बगल में राज स्कूल के सामने एक तालाब है 2.5 एकड़ जमीन का और उसकी मतलब पुराने कैडेस्ट्रल सर्वे में हुआ गैर मुजब्बा खास जमीन करके दर्ज है रीजनल सर्वे में हुआ गैर मुजब्बा खास करके दर्ज है तालाब करके दर्ज है और ऐसे लेकिन उस जमीन की जमाबंदी किसी हल्का कर्मचारी ने खोल दिया मनोज तो वह उसमें मनोज मंडल के नाम से वह आदमी हाईकोर्ट आ गया हाईकोर्ट में हम लोगों ने कितना भी अपना पेपर दिया हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज साहब का यह कहना था कि आप यह वर्षों से क्या कर रहे थे आप सोए हुए थे इतने दिनों से इसकी लगन रसीद काट के यह दे इसी की जमीन है अब आप कहिए कि हल्का कर्मचारी ने एक रसीद काट के किसी को दे दिया अब कहां पता चलता है एडिशनल कलेक्टर साहब को डीसीएलआर साहब को कि जमाबंदी किस जमीन पर चल रही है और किस जमीन की नहीं चल रही है तो लेकिन मनोज मंडल यह स्थिति बनी हम लोगों की मनोज मंडल ने सुप्रीम कोर्ट से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट से उसका मतलब क्या कहते हैं फैसला हो गया उसी के पक्ष में हम लोग रिव्यू में भी गए थे वह भी खत्म हो गया हाईकोर्ट में कलेक्टर दरभंगा और प्रधान सचिव महोदय को बुलाया गया उसने कल मतलब क्या कहते हैं एमजीसी कर दिया तो उसमें हाईकोर्ट का यह कहना था कि इस स्टेज में जो हम लोगों ने जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बना के दिया या प्रधान सचिव महोदय और कलेक्टर दरभंगा जो पॉइंट्स रखा तो उसके क्रम में उनका कहना था हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज का यह एमजीसी है इसमें हम मेरिट में नहीं जाएंगे आप जो ऑर्डर सीडब्ल्यूजीसी हुआ है उसका कंप्लायंस आपने क्यों नहीं किया यह बताइए तो उसमें हम लोग क्या करते जल्दी जल्दी में रिव्यू में गए लेकिन मतलब क्या करते उसमें भी हम लोग हार गए अब यह मेरा यह कहना था कि इस ढंग की जो जमाबंदी चल हल्का कर्मचारी खोल देता है उसकी चलने लगती है फिर बात लोगों आदमी कोर्ट में चला जाता है कोर्ट कहती है कि आप 40 साल से क्या कर रहे थे आप 20 साल से क्या कर रहे थे अब सोचिए कि कहां आपको पता है कहां किसको पता है तो लेकिन नहीं पता है या भी नहीं कह सकते हमको नहीं पता है हम कस्टोडियन है हम इसको डील करते हैं तो हमारा इसमें यह कहना है यह मेरा रिक्वेस्ट था कि हम दो तीन चार आइटम को आपसे डिस्कस करते हैं और आपको कहेंगे उस लाइन पर आप आगे चले पहला गैर मुजब्बा खास जमीन की जो जमाबंदी चल रही है उसको एग्जामिन करने के लिए हम लोगों ने 950 लेटर नंबर 11/11/2014 को एक रैयतीकरण की लिखी उसके लिखेगा बकास और क्या कहते हैं गैर मुजब्बा मालिक जमीन के संबंध में बड़ा इंपॉर्टेंट वन लेटर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वह अगर एजुकेटिव है उस लेटर को आप देखेंगे उसमें जो गाइडलाइंस दिए गए हैं वह दैट इज अबाउट मतलब बकास और गैर मुजब्बा मालिक जमीन के बारे में तो गैर मुजब्बा मालिक जमीन की जो जमाबंदी है उसको आप एग्जामिन करेंगे उसकी गहराई कि क्या है अगर सही है नहीं है मतलब उसमें उदाहरण के लिए उसमें यह साफ साफ दे दिया गया उसी पत्र में कि अगर भूतपूर्व मध्यवर्ती ने रजिस्टर्ड पट्टा के आधार पर में कि क्या किसी को या हुक्मनामा के आधार पर में किसी को जमीन गैर मुजब्बा खास बंदोबस्त कर दिया तो उसकी मान्यता होगी तो अगर कोई ऐसी जमीन है ऐसी जमाबंदी है इस ढंग के बंदोबस्ती का उसको मान्यता देंगे अगर किसी को सरकार ने जमीन मतलब क्या कहते हैं जमीन बंदोबस्त किया है और वह आदमी ऊपर पे काफी है उसकी जमाबंदी चल रही है तो उसकी हम मान्यता देंगे लेकिन ऐसे भी बहुत सारे पट्टा लेके लोग आते हैं या ऐसे पट्टा के आधार पर हल्का कर्मचारी ने रसीद काट दिया जमाबंदी चल रही है जो न तो रिटर्न में जमींदार ने दिया और न एक्चुअली जमींदार ने उसको बंदोबस्त किया था आज दरभंगा महाराज यहाँ महाराज के गोडाउन में रखा हुआ है रसीद का उसी में भाग चावल लिख दिया नाम लिख दिया थोड़ा सा मिट्टी में उसको दो चार बार उलट उलट कर दिया ताकि वह पुराना दिखे उसके आधार पर हल्का कर्मचारी जमाबंदी खोल दिया तो यह मेरा कहना था कि इसको थोड़ा सा आपको एग्जामिन करना है एडिशनल कलेक्टर की इसमें बहुत ज्यादा भूमिका इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जो म्यूटेशन एक्ट है उसके सेक्शन 9 में यह प्रावधान किया हुआ है कि अगर कोई गलत जमाबंदी चल रही है तो सो मोटो या नहीं कि एडिशनल कलेक्टर को किसी अंचल अधिकारी से किसी डीसीएलआर से किसी रजिस्टर से कोई आवेदन पत्र देना है ऐसा नहीं है उसमें सो मोटो उनको कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है तो इस
ढंग से रजिस्टर कलेक्टर किसी अलग मतलब अगर कलेक्टर अगर जाते हैं क्षेत्र में तो ऐसे जमाबंदी को देखें एक सरकारी नजर से जमाबंदी पंजी को उल्टे आपसे इंस्पेक्शन में जाते हैं तो बहुत सारे आइटम लिखे जाते हैं लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आइटम होते हैं उसको लोकेशन इस ढंग की जमाबंदी उसकी चर्चा बहुत कम रहती है जो आपसे फील्ड से आता है इंस्पेक्शन रिपोर्ट उसमें बहुत सारी यह पंजी वह पंजी यहाँ नहीं गया वहाँ नहीं गया ये सभी बातें लिखी रहती है लेकिन यह नहीं रहता है कि हम जो इंस्पेक्शन किए उसमें हमने 10 गलत जमाबंदी को पाया हमने एडिशनल कलेक्टर को ऑर्डर दिया है कि 10 जमाबंदी की जांच करें दाखिल खारिज मतलब जो कर की जा रही है उसकी प्रक्रिया सही है कि नहीं कितना किया गया टाइम शेड्यूल में किया गया नहीं किया गया जो इम्पोर्टेंट आइटम है उसको मिस करते हैं तो यह मेरा कहना था कि थोड़ा सा इसको एग्जामिन करके देखें गैर मजबूत मालिक जमीन का कि अगर बंदोबस्ती है 1954-55 से अगर किसी की मतलब सरकारी रसीद कट रही है उसी की मान्यता होगी ऐसा नहीं कि पट्टा के आधार पर 1992 ईस्वी में कटा लगन 1954-55 से दे दिया उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी वैसे जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई करें सिविल कोर्ट हाई कोर्ट में जो होगा उसको देखा जाए फिलहाल जो एडिशनल कलेक्टर को शक्ति दी गई है सेक्शन 9 में और रूल 13 में तो इस दोनों सेक्शन 9 और रूल 13 का उपयोग करें और ऐसे जमीन की जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई करें दूसरा गैर मजबूत आम जमीन बंदोबस्त करने की शक्ति किसी को नहीं है 2010 नहीं था 2010 से जब महादलित विकास योजना चला तो कमिश्नर साहब को 3 डिस्ट्रिक्ट होम स्टेट की जमीन वह भी महादलित के कॉन्टेक्स्ट में बंदोबस्त करने की शक्ति दी गई है इसके अलावा राज्य कैबिनेट अगर मान लिया जाए कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए हैं या कोई अगर बिहार सरकार या पार्टी है तो कैबिनेट से किसी को अगर अप्रूव होता है कि गैर मजबूत आम जमीन उनको बंदोबस्त किया गया है तो उसकी मान्यता होगी प्लस 2014 में हम लोगों ने थोड़ा सा कमिश्नर साहब से उसको नीचे उस पावर को नीचे ले जाने का हम लोगों ने काम किया वह यह कि जो कमिश्नर साहब को 3 डिसमिल होने से जमीन देने का पावर था वह 5 डिसमिल कर दिया गया और वह कलेक्टर साहब को दे दिया गया और इसको थोड़ा सा और व्यापक बना दिया गया कि महादलित के साथ साथ जितने भी सुयोग्य श्रेणी है उनको अगर बसने की जमीन नहीं है तो सरकार यह महसूस की कि हर आदमी को एक घर होना चाहिए सबकी एक पहचान होनी चाहिए सबका एक एड्रेस होना चाहिए तो इसके कारण 5 डिसमिल तक अगर गैर मजबूत आम जमीन है उसका नेचर बदल गया है पंचायत के कार्यकारिणी से NOC दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वैसे आदमी के नाम से बंदोबस्त कलेक्टर साहब कर रहे हैं तो अब मेरा इसमें इतना ही कहना था कि अगर राज्य कैबिनेट से कोई गैर मजबूत आम जमीन बंदोबस्त हुआ है कोई कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के द्वारा कोई इस जो क्राइटेरिया है इसके तहत कोई जमीन गैर मजबूत आम बंदोबस्त हुआ है तो उसकी ही मान्यता दी जाए शेष अगर किसी जमीन की गैर मजबूत आम जमीन की जमाबंदी चल रही है तो उस जमीन उसकी जमाबंदी को अविलंब रद्द करने की कार्रवाई की जाए और आप यहाँ आपको थोड़ा सा याद दिलाएंगे बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट का सेक्शन 4 और सेक्शन 7 को जो पढ़ेंगे तो बड़े साफ साफ सेक्शन 7 के 7(1) और 7(d) में बड़ा साफ साफ लिख दिया गया कि हाट बाजार मेला अगर कोई हाट बाजार मेला है वह गैर मजबूत मालिक जमीन पर भी चल रहा है तो वैसे जमीन मतलब क्या कहते हैं सरकार में भ्रष्ट हो गया है सेक्शन 4 को पढ़ेंगे तो बड़ा साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि जो सैराती इंटरेस्ट का कोई तालाब हो आहार हो पाइप हो नहर हो जो भी है सैराती इंटरेस्ट का तो ये सभी के सभी सरकार में भ्रष्ट कर दिया है या माइंस कोई अगर ऐसी जमीन है जिसमें माइंस डिस्कवर्ड हो या अनडिस्कवर्ड उसमें प्रावधान कर दिया गया है कि वो ऐसी जमीन सरकार में जाएगी वह क्या कहते हैं जमींदार की नहीं मानी जाएगी इसके अलावा अगर कोई ऐसी जमीन है जिसमें कि मतलब क्या कहते हैं जमीन पछाड़ी चल रहा था पहले और वह आज के डेट में भी जमींदारी उन्मूलन के बाद भी उसमें मतलब क्या कहते हैं उस पछाड़ी के रूप में उपयोग में लाया गया तो वे सभी सरकार में आ गए वे सभी सरकार में भ्रष्ट हो गए तो देखना है कि सभी को के तहत कि किसी कोई ऐसी जमाबंदी चल रही है जो सैराती इंटरेस्ट को बाधित कर रहा है कोई ऐसी जमाबंदी चल रही है जो राजस्व कचहरी से संबंधित है कोई ऐसी जमाबंदी चल रही है जो हाट बाजार मेला से संबंधित है तो ये सबको इसको भी देख के इसके लाइट में आपको क्या कहते हैं तो एडिशनल कलेक्टर को इतना मतलब क्या कहते हैं इसमें बहुत ज्यादा पावर दिया गया है और एडिशनल कलेक्टर के क्या कहते हैं अथॉरिटी को भी बड़ा इंपॉर्टेंट बना दिया गया है।